शिवाय। चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्माम वरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है मिथुन राशि वालों के लिए क्या रहेगा ग्रह प्रभाव मंगल जब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से सबसे पहले आप मंगल का प्रभाव समझें कि मंगल आपकी राशि के अनुसार से क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं मंगल आपकी राशि में। देखिए मंगल आपकी राशि में बहुत इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं। मंगल यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें हम तो लाभ के स्वामी हैं। मंगल आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। छठा भाव वैसे तो रिपुदल माना जाता है, रोग का भाव माना जाता है, और वहाँ मंगल ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट भाव रखता है। अब आपकी राशि में कहाँ बैठा है वो तो जन्मपत्री देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन गोचर के अनुसार समझें तो इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है। और उसके बाद मंगल एकादशवें भाव का, लाभ का, इनकम का कई प्रकार से मालिक है, और ऐसे में बड़े भाई का मालिक है, कई प्रकार से कई चीज़ों का संबंध रखता है मंगल। इस बारे में हज़ारों चीज़ समझी जा सकती है कि मंगल क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने वाले हैं। अब हुआ क्या है कि वर्षों बाद ऐसा योग बना कि मंगल सूर्य के साथ जिस प्रकार से चलते चले जा रहे हैं और वहाँ अपनी गति में जिस प्रकार से चल रहे हैं वो अस्त रहेंगे करीब करीब। आमतौर पर ग्रह क्या होता है, मंगल जो है वो सूर्य के साथ 17 डिग्री के आसपास जब आ जाता है तो अस्त हो जाता है। अब ये मंगल जिस गति में चल रहे हैं आगे पीछे होते हुए वो ऐसा भाव बन गया है कि करीब करीब एक माने 115-16 दिन तक, 4 महीने तक मंगल अस्त रहने वाले। अब ये मंगल के अस्त होने से क्या प्रभाव होगा, मंगल कहाँ चल रहे हैं इस वक्त, आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, और इन 4 महीनों में मंगल कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, चतुर्थ भाव यानी माता का भाव, चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव, चतुर्थ भाव यानी जमीन जायदाद का भाव, वहाँ पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान, विद्या, इनका भाव, छठा भाव यानी रिपु भाव, आपकी अपनी राशि जहाँ पड़ी हुई है वहाँ पड़ा, वहाँ पर विशेष रोग का भाव, जब वहाँ जाएगा मंगल तो वहाँ पर जो क्या करेगा वो आपको समझाते हैं। इसके बाद सप्तम भाव, आपके जीवन साथी का भाव, आपके व्यापार का भाव, द्वंद्वात्मक स्थिति का भाव, कई प्रकार से इन इंपॉर्टेंट भावों में मंगल का योग चलने वाला है। अब मंगल अस्त, अस्त का मतलब है मंगल प्रभावहीन, कम प्रभाव वाले हो जाएंगे। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं आप कि घर के बाहर आपकी लाइट जलती होगी, रात्रि में लाइट जलती होगी, और रात्रि में जो लाइट जैसे चलती होगी कितना प्रकाश देती है, इतना दे देती है कि आपके आसपास को पूरा उजाला कर देती है, और बहुत सारे काम आप आनंद से सूर्य की अनुपस्थिति में करते हैं कि उसका लाभ ले लेते हैं। लेकिन जब जैसे ही अरुणोदय उदय होता है, सुबह सुबह सूर्योदय होने के योग बनते हैं, तो उस समय वो लाइट जो है वो धीरे धीरे निष्प्रभावी होने लगती है, और जब मध्याह्न का समय आता है तो बिल्कुल निष्प्रभावी। कितना ही बड़ा बल्ब लगा लो, सोलर बड़ी लाइट लगा लो, वो भी पता नहीं चलेगी कहाँ चले गए। तो ऐसे में क्या हुआ है कि सूर्य के बिल्कुल सन्निकट, जब आकाश मंडल में चलते हुए सूर्य के बिल्कुल उस ओरा के अंदर मंगल आ गए हैं, और मंगल वहां पर दिखने बंद हो गए हैं, अस्त हो गए हैं, इसका मतलब दिखने बंद हो जाते हैं। तो अस्त मंगल को अब इसको ऐसा ना समझें कि कई लोगों ने ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत अभी बोलना शुरू कर दिया है, एक महान हमारे पंडित जी हैं ज्योतिषी जो टीवी पे आते हैं ज्योतिषी विद्वान, वो कहते हैं मंगल अंधा हो गया। अरे भाई सर्वज्ञानी महाराज, मंगल हैं कौन पहले आप ये समझ लें। आप कह रहे हैं भगवान अंधे हो गए, जी हाँ मंगल भगवान है। कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, जिनको पता ही नहीं है वो भी समझ लें मंगल कैसे हैं। मंगल हैं कौन, कब उत्पन्न हुए, इसके बारे में भी कथा है। मंगल के बारे में हर भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति में हर चीज़ के उद्भव अंत का एक व्यवस्था बनाई गई है, उसका कारण निवारण सब चीज़ समझाने का प्रयास किया गया, कैसे उद्भव हुआ कैसे। कहा जाता है कथा के अनुसार से कि जब सती माँ भगवती उमा जबरदस्ती भवानी शंकर के मना करने पर भी दक्ष के यज्ञ में पहुँच गई, और वहाँ जाके देखा कि भगवान शंकर का अपमान हो रहा है, तो क्रुद्ध होकर शुद्ध होकर भगवती ने वहाँ क्या किया, अपने आप को उस यज्ञ दक्ष के यज्ञ में अपने आप को हवन कुंड में समर्पित कर दिया, सती हो गई।
ना तो पिता को त्याग सकती थी ना पति को त्याग सकती थी, स्थिति कैसी समझी, उन्होंने एक ही लगा कि भगवान को ही समर्पित सब कुछ कर दें। कहा जाता है कि जिस यज्ञ में शिव को स्थान नहीं दिया था वो यज्ञ विध्वंस हो जाता है, और वही हुआ कि माँ भगवती स्वयं सब समर्पित होगी तो यज्ञ भी विध्वंस हो गया। भगवान शंकर ने उस समय में जब उनको ये भान हुआ तो क्रोधाग्नि में उन्होंने पसीने जो पसीना उनका गिरा उससे वीरभद्र को उत्पन्न किया, पृथ्वी पर जो पसीना पड़ा उससे वीरभद्र उत्पन्न हुआ, और वो वीरभद्र जाकर उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। उनको आज्ञा होती है कि जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। उस यज्ञ को विध्वंस करने के बाद कहा जाता है कि विध्वंस करने के उपरांत माँ भगवती को लेकर भगवान शंकर के पास उपस्थित होते हैं। उसके बाद कथा लंबी चलती है, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद से वही वीरभद्र आकाशमंडल में बाद में स्थित हो जाते हैं, आकाशमंडल में और मंगल के नाम से जाने जाते हैं। आज भी जब योग बनता है मंगलवार और चतुर्थी का, तो अंगारक चतुर्थी का योग बनता है, उस अंगारक चतुर्थी में मंगल का जन्म दिवस होता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मंगल अंधा हो गया, तो मूर्खता की बातें करते हैं, उनको ज्ञान विज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भारतीय विज्ञान को समझें, अगर मूर्खतापूर्ण आप ज्योतिष का इतना अनधिकार चेष्टा करके आप कुछ कर लेते हैं कि भगवान को भी अंधा कहने की बात कर सकते हैं, तो समझे ज्योतिष के अंदर कहा गया है कि मंगल जब कोई भी ग्रह सूर्य के आसपास आ जाता है तो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब है प्रभाव कम हो गया, दिखना कम हो गया, आकाशमंडल में दिखना उसका कम हो जाता है, सूर्य के पास प्रकाश में आके ओझल ओझल हो गए हैं, ऐसे में उसका प्रभाव कम हो गया ग्रह का। अब ग्रह का प्रभाव कम होने से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसे में कई विचित्र विडंबनाएं बन गई हैं सब। मैं आप यहां ये विषय नहीं था लेकिन फिर भी लेना चाहिए विषय। कई लोगों ने तो ज्योतिष को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि वो बिल्कुल मतलब नास्तिकता की पराकाष्ठा हो गई योग के अंदर, ज्योतिष के अंदर। उपाय करने के नाम पर क्या क्या कर देते हैं कि ये बेच दो, ये ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, इसको कर लो, लेकिन मूलभूत कारण ही नहीं पता है। तो आप समझे प्रत्यक्ष रूप से कि हम समझाने जा रहे हैं आपको क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा। तो ऐसे में जब मंगल का परिवर्तन आपकी राशि में, इस वक्त यदि हम बात करें 24 सितंबर को जब मंगल अस्त होने जा रहे हैं, तो मंगल अस्त होकर शाम को 5:30 बजे अस्त हो जाएंगे और 16 जनवरी तक रात्रि के 9:54 तक अस्त रहेंगे। विभिन्न राशियों में ट्रेवल करते करते उस वक्त धनु राशि में पहुंच जाएंगे 16 जनवरी को। जब चतुर्थ भाव में चल रहे होंगे, कन्या राशि में चल रहे होंगे, 24 तारीख को जब अस्त होंगे और वो 3 अक्टूबर तक वहाँ रहेंगे, तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने संबंधों को माताजी के साथ, अपने संबंधों को खासतौर पर जमीन जायदाद के संबंध में दिक्कत ना आ जाए, उस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। बड़े लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जबरदस्ती आपके सुखों में कोई ना कोई आँच आने के योग बन सकते हैं। अच्छा, गाड़ी खराब हो गई, वाहन खराब हो गया, अननेसेसरी के उसमें ज़्यादा ब्रेक्स हो गए, आपने गाड़ी ज़्यादा तेज चला दी, कोई जगह झगड़ा हो गया, क्लैश हो गया, ऐसे योग बन सकते हैं, तो इसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अब जब मंगल पंचम में जाएंगे, तो 3 अक्टूबर को पंचम में जाएंगे मंगल, वहाँ पर अस्थिति में जाएंगे, तो 17 नवंबर तक वहाँ चलेंगे, और 17 नवंबर तक वहाँ चलेंगे तो क्या कर सकते हैं। पंचम भाव किसका, सीधा सीधा प्रेडिक्शन है, मैं कोई प्रपंच की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे तरीके से हम बताने का प्रयास करें। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का स्वामी, वहाँ पर बुद्धि भाव में आएंगे तो क्या बुद्धि कम चलाएंगे आपकी, वहाँ पर विशेष तौर पर कष्ट देने के योग दे देंगे, संतान के साथ संबंध को खराब करने के योग दे देंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा काफ़ी कुछ, ऐसे में विशेष तौर पर कष्ट दे सकते हैं आयु के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में कष्ट दे सकते हैं, आपके पिता के साथ, पिता के स्वास्थ्य में खराबी लाने के योग दे सकते हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। रात को नींद खराब कर सकते हैं आपकी, नींद में बेरामी हो सकती है आपको, नींद आने में कंफर्टलेसनेस हो सकती है, रात को इंसोमिनिया की शिकायत हो सकती है ऐसे में आपको, जब मंगल वहाँ अस्त होकर चलेंगे तो खासतौर पर। ऐसे में कुछ उपाय आप कर लें तो ठीक हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि विशेष तौर पर अपने सिरहाने एक पानी का गिलास रखें उसको ठीक करने के लिए, और उसके बाद सुबह उस पानी को उठाकर किसी पेड़ में डाल दीजिए। ये उपाय छोटा सा कर सकते हैं, इसको आपको कष्ट निवारण करने का रास्ता बन सकता है, इसको छोटा सा उपाय करने के बाद। और जब मंगल कन्या राशि में चल रहे हो तो एक उपाय कर लीजिएगा, रोज एक काम करें, दूध का दान कर दिया करें, किसी गरीब व्यक्ति को, बच्चे को दूध का दान कर दिया, इससे आपका विशेष तौर पर ग्रह का अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होने का योग बन जाएगा। छोटा सा दूध का दान करना 5-6 दिन तक, 3 अक्टूबर तक दूध का दान कर सकते हैं, 3 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का जो ग्रहों का योग है उसके अनुसार से आप मंगल के मंत्र का जप कर सकते हैं, क्रांग क्रीम क्रॉन्ग से भव माय नमः। रात को सोने से पहले अपने बगल में पानी रख लिया, सुबह उस पानी को उठा के कहीं डाल दिया, ये उपाय कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा,
आपके खासतौर पर पार्टनरों का ध्यान रखिएगा, नौकर को जो आपके अनुचर हैं उनका ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंध खराब होने के योग बन सकते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ झटका दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, ऐसे में ये मंगल का प्रभाव है, इनका भी ध्यान रखिएगा। अपने बड़े बुजुर्ग घर में जो हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन संबंधित बातों में विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के द्वारा कहीं ना कहीं जो सही टाइम पे बल्ब जलेगा नहीं वहाँ नुकसान दे सकते हैं, तो उसका ध्यान रखने के लिए मंगल के मंत्र का नित्य प्रति जप, ओम क्रां क्रीं क्रौं स भौमाय नमः, इसकी एक माला रुद्राक्ष की माला से बैठकर नित्य प्रति जप लीजिए, इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद विशेष तौर पर मंगल क्या होगा, 17 नवंबर से मंगल परिवर्तित हो गए अष्टम आपके छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव स्वयं का भाव है, वृश्चिक राशि वहाँ विद्यमान है, वृश्चिक राशि में जब जाएंगे छठे भाव में गोचर में, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है, क्योंकि मंगल स्वग्रही है वहाँ पर, वहाँ जाके स्वास्थ्य के मामलों में दिक्कत देने के योग दे सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, शत्रु आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचने का योग बना सकते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। एक काम कर लीजिएगा उस समय, एक छोटा सा खाना खाएं, जब भी भोजन करें आप उसका पहला ग्रास निकालकर कौवे के निमित्त बाहर डाल दिया कीजिए। सुबह पहला भोजन जब भी कर रहे हैं तो छोटा सा एक ग्रास टुकड़ा निकाला और बाहर कौवे को डाल दीजिए, ये उपाय नोट कर लीजिए, अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे इस मंगल के प्रभाव को शून्य करने में आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आपके भाई के साथ कुछ ना कुछ संबंधों में विच्छेद आने के, आपके मित्रों के साथ आपके संबंध विच्छेद आने में दिक्कत हो सकती है, ऐसे में ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए, घर में छोटे बच्चे हों तो उनको सोना ना पहनने दीजिएगा, उनका सोना पहनना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ चोरी नुकसान जुर्माना होने के योग बन सकते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको काम करना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हुए कार्य करें। 28 उसके बाद 17 नवंबर के बाद तक से वो वृश्चिक में चलेंगे और 28 दिसंबर को जाकर वो आगे चले जाएंगे, वहाँ जाके कहाँ चले जाएंगे, धनु राशि में आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे सूर्य, वहाँ भी मंगल अस्त चलेंगे। कब तक चलेंगे, 16 जनवरी तक चलेंगे। तो ऐसे में एक काम करिए उन दिनों, आप विशेष तौर पर आपकी बहन हो बुआ हो उनको विशेष तौर पर कुछ ना कुछ उपहार आपकी तरफ से देना, क्लैश से बचना, अननेसेसरी के झगड़े आपको परेशान कर सकते हैं, अननेसेसरी के द्वंद्वात्मक स्थिति परेशान कर सकते हैं। ऐसे में हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग इमरती का भोग लगाकर आप इनके प्रभावों को शून्य कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल प्रभाव जो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि मंगल किस किस क्षेत्र में कहां कहां परेशानी करने के योग दे सकता है। इसके अलावा भी आपकी राशि में आपकी जन्मपत्री में कहां मंगल बैठा है, क्या दशा चल रही है, उन सबको देखकर पूर्ण विवेचना करने की आवश्यकता है। हमने एक आउटलाइन आपके लिए समझाने का प्रयास किया है, तो इस सब चीज़ों को समझते हुए आप कार्य करें। आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है ये हमने आपको एक बेसिक समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी कोई आवश्यकता हो तो आप आश्रम संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके सामने चल रहे हैं। धन्यवाद।